गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनेगर फ्रॉम कोटा और आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम डे चल रहा था उसके क्वेश्चन अपन कर रहे थे, जिसमें आगे अपन मोर एग्जांपल देखेंगे लाइक 2.312 पे बार, 8.1210 पे बार, 0.3 पे बार, 0.2 एंड 3 पे बार। इन क्वेश्चन को अपन देखेंगे और इनका सोल्यूशन देखेंगे और यहाँ पे जो अपन मोस्ट ऑफ चीज जो ध्यान रखने की है वो अपन देखेंगे कि वो क्या है। तो इसमें सिंपली क्या है करना होता है अपन को कि जो भी क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं, जिसको भी अपन को रिप्रेजेंट करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसको सबसे पहले अपन क्या मानते हैं, एक्स के इक्वल मान लेते हैं और उस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट बात, 312 का मीन, 312 पे बार लग रहा है, इसका मीन क्या है यहाँ पे कि 312 रिपीट हो रहा है, तो इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 2.312, 312 एंड 312 एंड डैश कंटिन्यूसली चलती जाएगी सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे बार कितने साइड्स पे लग रहा है, कितने डिजिट पे लग रहा है, एक दो और थ्री नंबर्स पे या थ्री डिजिट पे क्या लग रहा है, यहाँ पे बार लग रहा है, तो अपन को उसी संख्या से मतलब तीन नंबर पे बार लग रहा है तो किससे इंटू करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों ओर, इक्वेशन को दोनों ओर 1000x हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई x से करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये पॉइंट थ्री साइड्स राइट हैंड साइड थ्री बार राइट हैंड साइड मूव हो जाएगा। तो कैसे हुआ ये, 1 2 एंड 3, तो 2 3 1 2 पॉइंट 3 1 2 3 1 2 एंड डैश 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 कंटिन्यू। अब क्या करना होता है हमको नेक्स्ट स्टेप में कि जो ये वाला नंबर है अपना, ये वाला जो नंबर है उसको एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तोड़ना होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं अपन, एज इट इज एक्स लिख लो। ठीक है, क्योंकि 2.312 बार को यहां पे अपन को एक्स से रिप्लेस करना है, तो एज इट इज थ्रू 2.312 पे बार पूरा लिख लो, प्लस एक डिजिट यहां पे छोड़ दो उसको। वो ये कैसे फाइंड आउट हुई, ये कैसे आई अपने पास, तो इसका सिंपली मेथड क्या होता है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है, ये वाला जो भी नंबर दे रखा है एक्स वाला, उसको क्या रखो, एज इट इज लिख दो 2 3 1 2। ठीक है, पॉइंट भी हटा दो और बार भी हटा दो। फिर क्या करना होता है अपन को, बार के अलावा जितने भी नंबर्स आगे हैं, बार के अलावा जितने भी नंबर्स आगे हैं पॉइंट के इधर हुआ या इधर हुआ, उनको क्या करो अपन माइनस कर दो। तो यहां पे बार के अलावा कितने पॉइंट है, कितने डिजिट है, एक डिजिट कौन सा, 2, तो उसको माइनस कर दो अपॉन 1 लिख के। अब बार के आगे पॉइंट के पहले कितने जीरो हैं, कितने डिजिट है, नहीं है यहां पे डिजिट, तो यहां पे 1 से ही अपन डिवाइड करेंगे। यदि यहां पे एक अंक और होता है एक्स्ट्रा, तो उसको पूरे अंक को डिवाइड करके माइनस करके एक जीरो अपन और लगाते, जैसे यहां पे अपन अभी देखेंगे। ठीक है, अब इसका मीन क्या हुआ, ये निकल के क्या है अपने पास, 2 3 1 0, तो यही ये डिजिट यहां पे रखनी है। अब आप 2 3 1 0 में 2.312 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो 213.2132, ये जो नंबर है अपना वो यही वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से अपन थोड़ा बहुत देखेंगे तो आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उससे अपन को समझ में आ जाएगा। तो ये जो नंबर है अपना 2310, इक्वेशन बन गई अपनी, 1000x माइनस x कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस ट्रांसपोज कर देंगे और 2310 एज इट इज आ जाएगा। x निकालेंगे, 1000x माइनस x कितना होगा, 999x इज इक्वल टू 2310। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 2310 अपॉन 999। अब ये क्या है, p अपॉन q की फॉर्म है अपनी, ये क्या है, p अपॉन q की फॉर्म, और q क्या नहीं है यहाँ पे, जीरो के इक्वल भी नहीं है, यही अपन को चाहिए था, और p और q क्या है, इंटीजर को ही यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया अपन ने, 0.3 बार, तो इसको कैसे यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैसे लाया मैं वो देख लो आप, 3 लिख दिया मैंने एज इट इज पूरा नंबर, दशमलव भी हटा दिया और बार भी हटा दिया, माइनस दशमलव बार जिस पे है उसको छोड़ देना है ओनली और आगे का नंबर हटा देना, तो माइनस 0 कर दिया अपॉन यहां पे 1 लगा दो। अब आगे कोई नंबर है क्या पॉइंट के पहले, नहीं है, पॉइंट के बाद कोई नंबर है क्या जिसपे बार नहीं है, नहीं है यहाँ पे, तो ओनली 1 से डिवाइड कर देंगे,
तो यहाँ पे क्या आया, वो नंबर किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कैसे मतलब एक्स को रिप्लेस करने का तरीका ये है अपना, आगे इसको सोल्व कर देता अपन ने। इस वाले क्वेश्चन में अपन देखें तो 0.23 है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी अपनी एक्स को 0.23 बार लगा के, फिर 0.23232, ठीक है, 23333 यहाँ पे है। ठीक है, 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन बार है। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू मूव हो जाएगा 0.2.3333, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगी ये इक्वेशन पूरी अपनी फर्स्ट। ठीक है, अब इसको इस पूरी संख्या को अपन को करना है एक्स के रूप में तोड़ना है, तो अपन ने 0.23 बार यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये एक्स की जगह अपन ने सपोज किया है। अब इस संख्या में कौन सी संख्या ऐड करें कि 2.333 ही आए, तो क्या हो गई वो, आप इजीली देखो इधर 2, 3 मैंने लिख दिया ओनली ये नंबर। ठीक है, बार भी हटा दिया और पॉइंट भी हटा दिया, यहाँ पे माइनस बार के अलावा जो भी नंबर है अपना वो हटा दिया, कितना नंबर है 2, तो ये 2 हटा दिया मैंने यहाँ पे, अब 1 लिख दिया मैंने। अब कितनी जीरो लगानी है, क्योंकि बार यहाँ पे एक पे ही है और उसके आगे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो कितनी जीरो लगा दी, 1, तो कितना हुआ ये 21/10 इज इक्वल टू 2.1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है अपनी 2.1 वो कहां से आई, यहां से, इसको इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। अब यहां पे चलते हैं अपन इस क्वेश्चन में, 8.1210, यहां पे 3 डिजिट है, यहां 3 डिजिट पे बार लग रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले डिजिट नंबर्स में 3 नंबर्स मूव हो जाएगा पॉइंट, 1, 2 एंड 3, तो 1 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया 8121.02102100 एंड डैश 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 कंटिन्यू ये चलता जाएगा। अब क्या करना है, एक्स ये जो नंबर्स है अपना उसको एक्स की फॉर्म में अपन को तोड़ना है, तो 8.1210 मैंने एज इट इज लिख दिया है, 210 पे बार। ठीक है, अब ये जो नंबर है अपना वो कहाँ से आया या कैसे आया, तो इसका एक सिंपली मेथड है, वो क्या है कि ये जो नंबर दे रखा है अपन को पूरा, इसमें पॉइंट भी हटा दो और दशमलव भी हटा दो, पॉइंट भी हटा दिया और मतलब पॉइंट भी हटा दिया और बार भी अपन ने हटा दिया, माइनस ये जो नंबर बचा अपने पास बार की संख्या के अलावा उसको पूरा अपन ने माइनस कर दिया, अपॉन जितने नंबर यहाँ पे बचे, जितने नंबर पॉइंट के बाद रिमेनिंग जिन पे बार नहीं लग रहा है वो बचे, तो उस जितने नंबर बचे उतने डिजिट के 0 से 1 लगा के अपन ने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या संख्या बनी अपने पास, 8.11.29/10। ठीक है, डिवाइड कर दिया 10 का, तो 8.11.29 यहाँ पे ये अपनी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये वैल्यू आ गई अपने पास, रिप्लेस होगा ये एक्स एलएचएस की तरफ, तो 999x इज इक्वल टू 8112.9, तो x इज इक्वल टू 8112.9/999 आएगा यहाँ पे, और पॉइंट हटा के अपन 0 यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये क्या नहीं थी अपनी, इंटीजर फॉर्म नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा था। ठीक है, अब 8112.9/990 यहाँ पे हो गया है, जो कि क्या है अपनी p अपॉन q फॉर्म है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपन देखें, इसकी मोर प्रैक्टिस करना चाहें तो अपन देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको मैं हमेशा ये वाली स्टेप बताऊंगा कि ये वाली स्टेप आई कहाँ से। ठीक है, एक्स एज इट इज रखना है आपको, हर क्वेश्चन में एक्स एज इट इज रखना है, ये वाला नंबर ही जो अपन को गिवन होगा, और ये जो नंबर बचा अपना, ये वाला नंबर या ये वाला नंबर, ये कहाँ से आया, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अपन इसमें कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 1.2137 ये बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल 1, 2, 1, 3, 7 माइनस बार के अलावा कितने नंबर बचे, 1, 2, तो 1, 2 माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पे 1 लगा के कितने नंबर रिमेनिंग है पॉइंट के बाद, 1, तो इससे डिवाइड करना है, इससे आपको कौन सा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अपन को फाइंड आउट हो जाएगी, और एक्स एज इट इज रखना है। ठीक है, ऐसे सपोज कीजिए 0.237
बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 237 एज इट इज पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है। और माइनस कितना करना है, जिस पे बार नहीं है, तो कितना होगा 23 अपॉन 1, और यहाँ पे कितने डिजिट है जिस पे बार नहीं लग रहा है, दो डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो इससे डिवाइड कर देना है। तो ये कौन सा आ जाएगा, अपना नंबर आ जाएगा वो वाला जो हमने यहाँ पे देखा था, ये नंबर कैसा आया। सपोज कीजिए 1.213 है अपना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 1213 एज इट इज रख देंगे, माइनस 12 कर देंगे अपॉन 10, ये वाली वैल्यू अपनी वहां से रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए 3.4152 ये वाली डिजिट है, तो क्या करेंगे अपन, 34152 माइनस, ये नंबर बार भी हटा दे पॉइंट भी हटा दे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 341 अपॉन 1, कितना डिजिट है, दो डिजिट है जिसपे बार नहीं लग रहा है, तो दो जीरो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। सपोज कीजिए 4.321 है, ये है, तीनों पे बार है, तो क्या करेंगे अपन, 4321 माइनस 4 अपॉन 1, अब कोई संख्या बची क्या यहाँ पे, नहीं बची, तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे, नहीं बची तो, ठीक है। एक और देख लीजिए 3.625, ये बार लगा दिया मैंने, तो क्या हुआ, 3625 माइनस 362 अपॉन 1, कितने जीरो, कितनी है जिसपे बार नहीं है पॉइंट के बाद, दो संख्या है, तो दो से, दो जीरो से वाले नंबर से अपन ने डिवाइड कर दिया। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आएगी, और ये डायरेक्ट मैंने बताई है सेकंड स्टेप आपको, जो अपन को यहाँ पे रखनी है, और x यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा एज इट इज, प्लस 3.4152 बार, इसको x से रिप्लेस कर देना, और यहाँ पे जो नंबर है 2 से, तो वो किसके इक्वल हो जाता अपने पास, 9 मतलब 1000x है, और ये किससे रिप्लेस कर देना है, x से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 है, तो ये 1000x होगा, इज इक्वल टू ये जो नंबर आएगा वो, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे, 4.321 बार, ठीक है। और यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आगे सोल्व करते हैं, आपको इंटीजर फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म फाइंड आउट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।